अभी नेक्स्ट कड़ी में हम प्रियदर्शनी दीदी से और दीदी के साथ में शिव कुमार भैया भी अपनी बात रखेंगे। प्रियदर्शनी दीदी लुधियाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में एचओडी एंड प्रोफेसर एट ईसी डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत है। लगभग 18-19 साल का दीदी का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। दीदी यूएचयू के साथ में लगभग 7 साल से जुड़ी हुई है और यूएचवी के जितने भी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज है उसमें दीदी अपनी भागीदारी को निभा रही है, जैसे ऑनलाइन सेशंस में शेयरिंग करना और बहुत सारे जैसे कि ये संडे की कंबाइंड मीटिंग में भी अरेंज करने के लिए वॉलेंटियर के रूप में काम करना। इस तरह से दीदी काफी एक्टिव है। दीदी के साथ में शिव कुमार भैया भी अपनी छोटी सी बात रखेंगे। भैया प्रोपराइटर है एट कोहिरंट आईटी सॉल्यूशंस। भैया ने कानपुर संस्थान में जो वॉलेंटियरिंग की मीटिंग थी उसको भी अटेंड किया था और भैया मॉर्निंग सेशन को 2021 से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम दीदी और भैया की बात को सुनेंगे। दीदी ओवर टू यू। जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। आवाज ठीक आ रही है भैया? हाँ जी दीदी आवाज ठीक। तो सभी को नमस्ते। भैया ने मेरा संक्षिप्त परिचय तो दे दिया है। प्रियादर्शनी लुधियाना पंजाब से हूँ और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रह रही हूँ। हमारे पेरेंट्स पंजाब में ही पटियाला और गुरदासपुर में रहते हैं, तो हम हर वीकेंड पर उनके पास मिलने जाते हैं। अभी मैं जॉब नहीं कर रही। मैंने तकरीबन 19 साल लुधियाना इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब की है बतौर प्रोफेसर एंड एचओडी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। ये मेरी पहली और अभी तक की ये लास्ट जॉब है। तो सितंबर 21 में इस सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते ही जब मैं सेशन ले रही थी, और उन दिनों में मेरे माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और ये बात बोलते हुए कि रिलेशनशिप्स आर की प्रायोरिटी है देन फिजिकल फैसिलिटी, तो मैंने कहा कि मम्मी बीमार हैं और मैं ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो मैंने उसी वक्त फैसला लिया कि मैं कुछ दिन की लीव लूंगी। तो फिर एचओडी थी तो मुझे लगा कि लीव अगर 1 महीने की 2 महीने की दूंगी तो बहुत सारी कॉल्स आती रहेंगी कि ये काम कैसे करें। तो मैंने 1 सेमेस्टर की लीव दी और अपने माताजी को समय दिया और साथ साथ वर्कशॉप में भी भागीदारी करने लगी। फिर मैंने लीव को 6 मंथ और एक्सटेंड किया और अभी लास्ट अक्टूबर में मैंने रिजाइन दे दिया है जॉब से और फुल टाइम भागीदारी का प्रयास करती हूँ। 2016 में मैंने 8 दिन की वर्कशॉप लगाई थी और उसके बाद से ही मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट को पढ़ा रही थी, बट वो एक्चुअली पढ़ा ही रही थी, वो एक्सप्लोर करवाने में हेल्प करा रही थी। ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि मैं पहले से ही 8-10 सालों से विचारों पर काम करने में, कई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में सेवा करना वो लगी हुई थी, तो मुझे लगता था ये बात मुझे तो समझ आई हुई है, मैं तो आराम में ही होती हूँ, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे कंटेंट को शेयर कर दूँ। पर मुझे एक्सप्लोरेशन करवाने का समझ नहीं आया था। तो मेरी खुद की एक्सप्लोरेशन भी 2021 जब से मैंने मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया 3rd बैच तब से शुरू हुई। और ये मेरी, जब मुझे गलतफहमी दिखी कि मैं हमेशा आराम में हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे सटल संस्कार हैं जो मैं नहीं देख पाई थी इतने सालों के प्रयास में, तो ये गलतफहमी का दिखना मेरे लिए दुखदायक तो बहुत था उस समय। पर अब मेरे संस्कार मुझे दिखते हैं पर मैं आराम में ही हूँ ज्यादातर। तो मानव के बारे में मैं अपनी समझ की बात करूं तो मैं और शरीर की आवश्यकताओं को समझते हुए ये ध्यान गया कि शरीर टेम्परेरी है और इसकी आवश्यकताएं सीमित हैं। और इसी पर ध्यान जाने के कारण मुझे एक पॉइंट पर लगा कि वो जॉब जहाँ पे मुझे भागीदारी के लिए कोई सहयोग का अवसर नहीं है ना, उसे स्टॉप कर देना एक बार ठीक है। तो ये समझ बनी है कि मेरे जीने के केंद्र में तो मैं हूँ, शरीर साधन है और ये साधन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साधन के जरिए ही मैं समझ पा रही हूँ। तो मैंने काफी सारी डिसहार्मनी इस शरीर में जी।
हो गई थी, कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारी एलोपैथी दवाइयाँ खाती थी। तो फिर वो खुद में संयम के भाव के साथ काफी सारा इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए बदलाव किए, जैसे वीगन डाइट कम्प्लीटली फॉलो करना और बहुत कम अनाज लेना, ऐसा मैं कर रही हूँ। और ऐसा सब करते हुए मेरा ध्यान बना रहता है कि बहुत बार ये संयम की जगह कंट्रोल में दिखता है, कि मेरे सामने कुछ स्वादिष्ट भोजन कोई खा रहा है, घर पे है तो हमारा ठीक ही चलता है, दोनों एक तरह का ही लेते हैं, पर वर्कशॉप लेने जाती हूँ या कहीं और जाए तो फिर ये कई बार संयम जो है वो कंट्रोल होता हुआ दिखता है। तो मेरा ये ध्यान अपने बारे में बना रहता है। प्रकृति के बारे में मैं अपनी समझ की बात करूं तो कई सालों से मैंने छत पर टेरेस गार्डन बनाया हुआ था, अभी भी बनाया है, और मुझे लगता था कि ये जो पौधे लगाना, इनको पानी देना, इनको बढ़ते हुए देखना, और बहुत सारे पौधे मैं नर्सरी से खरीदती रहती थी, थोड़े ही दिनों बाद बहुत सारे पौधों, यही मेरी शॉपिंग होती थी, और मुझे लगता था कि ये मेरा प्रकृति के प्रति प्रेम है। तो पिछले 1.5 सालों से अब जब मेरा ये शॉपिंग, जब से मैं ना जॉब नहीं कर रही, तो मेरा बहुत ध्यान जाता है कि मैं जो सुविधा है उसका सदुपयोग करूं। तो अब मैं पौधे खरीदती नहीं हूँ, है ना, जो भी घर पे किचन में जिस तरह के भी सीड अवेलेबल हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। नेचर के संसाधनों का सदुपयोग करना, ये भी थोड़ी समझ बनी है, आरओ का पानी ना यूज करना, एसी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सब का उपयोग अभी ना के बराबर है। और सुविधा इतनी अकमुलेट कर ली मैंने इतने सालों में, तो उसे गिनने की भी हिम्मत नहीं हुई, तो अभी तो उसको समेटने का काम चल रहा है। शॉपिंग खरीदारी तो नहीं होती है, बल्कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा कपड़े बर्तन इकट्ठे करते हैं और उसको शेयर करने के लिए, यही अब तो समेटने का ही चलता है। और कभी कोई चीज खरीदनी भी होती है तो बहुत सारे विचार चलते हैं कि इसे लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और प्रकृति की चारों अवस्थाओं के रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म की बात करूं तो मेरा ध्यान तो ज्यादा अभी रूप पर ही रहता है, बहुत कम ध्यान मेरा स्वभाव धर्म परम धर्म पर जाता है। अस्तित्व की समझ में तो जो प्रपोजल है कि हर इकाई ऊर्जित है, स्वयं में व्यवस्था है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, तो ये जो सबमर्जेंस के विचार हैं, ये विचारों में ही तृप्ति मिलती है मुझे। पर संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव विचार कभी होता है, कभी अन्यथा होता है। तो संपूर्ण अस्तित्व को समझने में तो मुझे लगता है मुझे अभी कई शरीर यात्रा लग सकती है। तो मानवीय आचरण में देखूं तो मानव के साथ परस्पर पूरकता और प्रकृति के साथ परस्पर समृद्धि में मैं हर संबंध में पूरकता के साथ जी पाती हूँ, निरंतरता में जी पाती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, पर क्योंकि हस्बैंड भी इन चीजों को समझते हैं, हमारी विचार अब मिलने लगे हैं, तो हस्बैंड के साथ मेरा मोस्टली फुलफिलिंग रहता है। हमारी बहस नहीं होती, किसी बात पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है, इसको एक दूसरे पर थोपते नहीं है, इसको हम अपना अपना एक्सप्लोरेशन रखेंगे, तो हमारी बहस नहीं होती है। पर जब वीकेंड पे पेरेंट्स के पास जाती हूँ, अगर मम्मी कुछ कहते हैं, और तो कई बार वो 2-3 दिन में कभी कभी बीच बीच में कंट्राडिक्शन मुझ में चलती है, और उस कॉन्ट्राडिक्शन में मेरी अयोग्यता पर मेरा ध्यान जाता है कि बहुत सारा अभी काम अपने पर बाकी है। तो एक्सरसाइज 1 की बात करूं तो स्टेप 1, मैं अपने भाव को अब देख पाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत प्रैक्टिस है विचारों पर काम करना, विचारों को बदल देना, है ना, पॉजिटिव थॉट्स को ले आना, ऐसा मैंने बहुत अभ्यास किया। तो काफी समय लगा मुझे विचार और भाव में अंतर ही नहीं दिखता था, तो अभी विचारों के पीछे के भाव में देख पाती हूँ। हर पल हर क्षण तो नहीं, पर मोमेंट ऑफ अवेयरनेस बड़ी है, अभी सजग हूँ और मोस्टली आराम में हूँ। और बहुत बार मुझे लगता है कि मेरी परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसी करके मैं आराम में रहती हूँ, तो मेरा मैं क्या करूँ कि मुझे अपने संस्कार दिखाई दे। तो ऐसे ही एक दिन किचन में खाना बनाते हुए बेसन का चीला बना रही थी तो वो चिपक गया, और इतने में मुझे बाहर से किसी ने आवाज भी लगा दी। अब उस वक्त मैंने देखा तो मैं बहुत परेशान थी, मतलब मेरे अंदर कितनी उथल पुथल चल रही थी कि एक तो ये चीला तवे पर चिपक गया, ऊपर से मुझे कोई बाहर से आवाज लगा रहा है। तो फिर ध्यान गया कि परिस्थितियां इतनी, मतलब मेरा ध्यान गया कि इन इस
परिस्थिति में रहते हुए भी मैं देखूं तो मेरे भाव विचार जो हैं वो स्टेबल नहीं है, आराम में मैं नहीं रहती हूँ। ऐसे में छोटी छोटी बात पर अपने पर ध्यान बनाने की कोशिश करती हूँ। स्टेप टू और थ्री कि जब भाव विचार सह स्वीकृत है तो आराम में हूँ, अन्यथा है तो परेशान हूँ। तो मोस्टली मुझे अनुकूल भाव ही दिखते हैं और मुझे अपनी गति नहीं दिखती कि सब कुछ अनुकूल है, मैं आराम में ही हूँ। पर जब वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो भावों का ऊपर नीचे होना साफ साफ दिखाई देता है। और जब भी मुझे भावों का ऊपर नीचे होना दिखाई देता है, सही भाव का अभाव दिखता है, तो मैं कुछ देर के लिए तो परेशान होती हूँ, क्योंकि ये संस्कार की मैं अच्छी हूँ, मैं आराम में हूँ, है ना, मैंने बहुत अपने पर काम कर लिया है, ये बातें मेरे अंदर इतनी गहरी बैठी हैं, तो जब वो दिखता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो काफी समय लगता है सेटल होने में, कभी उसी दिन या कुछ घंटे में हो जाती हूँ और कभी समय लग जाता है। तो जब भी मेरी भागीदारी इस भाव से होती है कि मुझे मेरी जो कर्तव्य है बड़े परिवार के प्रति, इसलिए मैं भागीदारी कर रही हूँ, तो मुझ में अपने में तृप्ति बनती है। पर बहुत बार मेरा ध्यान आउटकम पर चला जाता है कि इतने पार्टिसिपेंट ने सुना और फिर भी वो अपनी मान्यता पर ही अटके हुए हैं, कंटेंट को भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। तो फिर जब आउटकम देखने लगती हूँ तो मैं फिर परेशान होती हूँ, ऐसा मैं देखती हूँ। पर फिर वही विचारों में सेटल करती हूँ कि मुझे भी कितना समय लगा है ना, इतना आसान नहीं है अपनी मान्यताओं को कर पाना। तो वो विचारों से ही भाव तक पहुंच के सेटल करती रहती हूँ। तो स्टेप फोर में देखूं तो हु इज डिसाइडिंग माय फीलिंग, मेरी तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट दूसरे के हाथ में दे देती हूँ। जैसे अगर मेरी बनाई सब्जी में कोई कमी निकाल दे ना, तो भी मुझे ठीक नहीं लगता, तो थोड़े समय में ध्यान जाता है कि मैं अर्थ मैं दे रही हूँ। तो तर्क रूप में ये बात ठीक लगती है कि अपने भाव मैं डिसाइड करती हूँ, पर अभी वो रिमोट तो दूसरे को दे देती हूँ बहुत बार। तो स्टेप फाइव में मेरी फीलिंग समझ पर आधारित है या मान्यता पर, तो बहुत बार ये मान्यता पर आधारित होती है। जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत बार आपस में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक करते रहते हैं ना, वो आपस में उनका वो उसको झगड़ा नहीं बोलते पर मैं उसको झगड़ा कहती हूँ, तो मैं फिर उनको समझाने लग जाती हूँ। तो जब मैं समझाने लगती हूँ तो वो दोनों आपस में ठीक हो जाते हैं और मेरे प्रति उनका विरोध बन जाता है कि ये छोटी होती हुई भी हमें समझाती रहती है। तो पेरेंट्स जब कभी यहाँ आते हैं तब भी ऐसा मेरा संस्कार है कि जैसे मैं समझा ही दूं, तो मेरे हस्बैंड कई बार मुझे डांटते हैं कि तूने बिल्कुल समझाना नहीं है, मम्मी पापा यहाँ आए हैं तो जल्दी वापस चले जाएंगे अगर तुम समझाओगी। तो फिर भी मैं अभी ये थोड़ा कम हुआ है, और बहुत बार जब मुझे डांट पड़ती है जब ये देखते हैं कि मैं फिर समझाना शुरू हो गई, तो फिर ऐसे मेरा ध्यान जाता है। और ऐसा भी दिखता है कि कोई व्यक्ति कैसे स्वाद को पहले मान लेता है और स्वास्थ्य अपना खराब करता रहता है ना, कि हमें तो स्वाद खाना है, स्वस्थ चाहे हो या ना हो। और इस तरह मैं देखती हूँ कि सबको समझ ही लेना चाहिए, ये कैसे कर सकते हैं लोग, तो ऐसा मेरे में परेशानी बनती रहती है। फिर विचार करती हूँ कि समझ के साथ ही सभी सुखी होंगे, ना समझी मैं ये मैं खुद भी ये बात भूल जाती हूँ। स्टेप सिक्स एंड सेवन की बात करूं तो संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव मुझे सहज स्वीकार्य है, ये विचारों में दिखता है, इसके ग्लिम्प्स में मिलते हैं और क्षणिक तृप्ति भी मिलती है। पर चिंतन बोध अनुभव जागृत होने पर इसकी निरंतरता हो पाएगी, ऐसा विश्वास तो बना है और पॉसिबल भी दिखाई देता है जी। तो एक्सरसाइज टू की बात करूं तो स्टेप में वन मैं हूँ, शरीर भी है, ये दोनों अलग अलग इकाइयां हैं, ऐसा समझने का प्रयास कर रही हूँ। और इन्फॉर्मेशन तो मुझे ये कई सालों से है, शायद बचपन से ही है, पर मैं ये देखती हूँ अगर मेरी ये समझ बनी होती तो जब कोई किसी का शरीर शांत होता है तो मुझे इस बात अपने आप को नॉर्मल करने में कितना समय लग जाता है। तो इस वास्तविकता को अभी मैंने समझा तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन है ना, तो लॉजिक के आधार पर आवश्यकता क्रिया पूर्ति अलग अलग है, ये बात ठीक लगती है, बट समझने में अभी पूरा तो नहीं आया है। स्टेप टू और थ्री, शरीर को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, संवेदना को अपनी मर्जी से रीड करती हूँ। तो
कई बार अब वीडियो एडिटिंग टीम में वीडियो एडिट करने का जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना होता है, तो मैं कई बार फैन ऑफ कर देती हूँ, और अभी मौसम ऐसा है कि बहुत ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो 2 घंटे भी फैन ऑफ रहता है, मुझे पसीना भी आ रहा होता है, पर मेरा ध्यान उस कंटेंट को सुनने में बना होता है। तो और एक जो मैं देखती हूँ कि मेरा रीढ़ सीधी करके बैठने का बहुत पुराना अभ्यास है, मैं कहीं भी बैठती हूँ तो जो रीढ़ है वो सीधी, लोग भी कहते हैं कि आप हमेशा ऐसे बैठते हो जैसे मेडिटेशन में बैठते हो, पर अभी क्योंकि ध्यान का अभ्यास कम करती हूँ तो वो पोस्चर गड़बड़ होता है, और फिर जैसे ही मेरा ध्यान जाता है कि फिर से मैं अब वैसा नहीं बैठने लगी, तो मैं इंस्ट्रक्शन दे के सीधा करती हूँ, ऐसा मेरा ध्यान चाहता है। स्टेप 4, मैं और संवेदना में दूरी है, मैं संवेदना नहीं हूँ, तो इसे भी ऐसे ही देखती हूँ कि संवेदना को पढ़ना और ना पढ़ना जब मेरा निर्णय है तो फिर मैं संवेदना कैसे हो सकती हूँ। पर संवेदना में डिस्टेंस देखने के लिए मैं ऐसा देखती हूँ कि अगर मैं पैर की संवेदना को रीड करती हूँ तो मुझे डिस्टेंस ज्यादा दिखाई देता है, पर अगर माथे पर आंखों पर देखती हूँ तो कम दिखाई देता है। तो इसके पीछे यही मान्यता दिखती है कि मैंने सेल्फ को ब्रेन के पास शरीर के अंदर माना हुआ है, इसीलिए शायद वो डिस्टेंस मुझे शरीर के हिसाब से ही दिखाई देता है। स्टेप 5, ये स्टेप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कैसे ये स्लो मोशन की तरह है कि 9 स्टेप्स में हमारा रिएक्शन होता है। तो इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड कई बार फोन पर अपनी सिस्टर से और फादर से बात करते हैं, और मैं किचन में काम करती हुई भी ना कई बार वो बात सुनती हूँ और फिर कहती हूँ कि ये मेरी बात की थी उन्होंने ना, तो मेरे लिए कहा था, फिर मैं रिएक्शन देती हूँ, परेशान होती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि ये जो भी इवेंट आउटसाइड हो रहा है उसको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये मैंने ये डिसाइड किया, और कहाँ मैं काम करती भी वो समय उसको रीड करती हूँ कि क्या बात हो रही है। तो अभी ये 1-1.5 साल से तो इस को मैं नहीं स्पेशली ऐसे पढ़ना और ये अर्थ देना कि मेरे लिए कुछ कहा गया, कॉम्प्लीमेंट को भी कमेंट में ले लेना, तो ये गड़बड़ अभी मैं थोड़ी कम करती हूँ, और शरीर से संवेदना को भी जब रीड करती हूँ तो अर्थ ज्यादातर समझ के आधार पर होता है कि मैंने ये गड़बड़ खाया और इस करके डिसहार्मनी हुई है, अब 2-3 दिन मैं इस तरह की डाइट लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा कई बार हो पाता है। स्टेप 6, बाहर रिएक्शन हो रहे हैं या रिस्पॉन्स, तो पहले मैं जब भी किसी संस्था में जाना, सत्संग पे जाना, संडेज को मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आश्रम में सत्संग पे जाना, तो जब से UHP में जुड़ी तो ऐसा लगने लगा कि सारा एक्सप्रेशन ही देखने लगी उनका, और ये विरोध बनता कि कैसे ये फंसे हुए हैं, ये भटके हुए हैं, अपने पर ध्यान नहीं है, तो इस तरह रहता था। बट अभी मैं एसेंस को पकड़ पाती हूँ और ये देख पाती हूँ कि ये एक्सप्रेशन अलग अलग है पर सार एक ही है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है कि एक आरती हो रही थी और उसकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो वो मैंने पहली बार सुना, पर मैं मेरा मन किया कि मैं यहाँ बैठी रहूं क्योंकि मैं उनके भाव देख रही थी कि ये श्रेष्ठता का एप्रिसिएशन कर रहे हैं, इसका तरीका कोई भी हो पर इसका एसेंस यही है कि ये श्रेष्ठता को स्वीकार करके उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो मैं भी चाहे किसी भी परिवार में बैठ कर इस श्रेष्ठता का एप्रिसिएशन करूं, पर भाव की निरंतरता हो जाए, यही मुद्दा है ना, बैठूं इस परिवार में या उस परिवार में पर श्रेष्ठता को स्वीकार पाऊं, उसका एप्रिशिएट कर पाऊं, उसे अपने जीने में ला पाऊं, उसी का मेन पर्पस है। तो स्टेप 7 देखूं, मैं स्पेस में हूँ, संवेदना पे डिपेंडेंट नहीं, शरीर पर भी नहीं, बाहरी वस्तु पर भी नहीं, तो ये तो समझने में समय लगेगा पर हो जाएगा क्योंकि स्नेह का दायरा तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, प्रेम तक अभी पहुंचना नहीं हुआ पर हो जाएगा ऐसा दिखता है। और बात रखूं तो ब्रीफली, मैंने सार सतर की रिकॉर्डिंग्स भी सुनी, वीडियो एडिटिंग करते हुए भी कंटेंट को कई बार सुना, तो इनपुट तो मैंने देखा मैं बहुत सारा ले लेती हूँ पर प्रोसेसिंग स्लो है,
और एक जो मुझे अपने अंडरवेट के लिए मैं बहुत कॉन्शियस रहती थी, अभी वो अंडरवेट है पर मैं अब कंफर्टेबल रहती हूँ कि हेल्थ बेटर हो रही है, ये ज्यादा समझना ठीक है। पहले मेरी प्रैक्टिस ध्यान में बैठने की, बाहर से कुछ मेडिटेशन कमेंट्री चले, कुछ चले बाहर से, तभी उसके अकॉर्डिंग मेरा विचार उसमें चले, बट अभी वो बाहर की डिपेंडेंसी कम होके मैं अपने आप में ही अपनी कल्पनाशीलता में अपने कुछ संस्कारों के ऊपर ध्यान बनाने का प्रयास करती हूँ और उनको कैसे ठीक करना है ये प्रयास मेरा अभी होता है, निरंतर तो नहीं कर पाती। और एक जो जब लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, कॉल्स आती हैं या फिर सेशन के बाद, तो मैं अब सुखी कम होती हूँ बल्कि मेरे पर वैसा होने का दबाव सा बनता है कि ये मेरा ओवर इवैल्यूएशन कर रहे हैं और ऐसी मैं हूँ नहीं, तो मेरे ऊपर वैसा होने का दबाव काफी बनता है, ये मैं देखती हूँ। और जिम्मेदारी कई सारी स्वीकारी भी है, जैसे ऑनलाइन वर्कशॉप कोऑर्डिनेशन करना, सेशन शेयर करना, वीकली मीटिंग को भी कोऑर्डिनेट करती हूँ, पर मेरे को अभी भी लगता है कि जिम्मेदारी जिस हिसाब से मुझे करनी चाहिए उसके हिसाब से कम है, तो मैं इसको बढ़ाने का और प्रयास करूंगी। तो मेरी तरफ से इतना ही, सभी का धन्यवाद। भैया क्या शिव भी अभी शेयरिंग को रख दें? जी दीदी, जी जी जी। नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते भैया। अच्छा भैया, मेरी इंट्रोडक्शन तो आपने दे दी है और मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ अपनी। मैंने एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की हुई है और 5 साल मैंने आईटी फील्ड में जॉब किया है और नियर अबाउट 12 सालों से मैं आईटी का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं यूएचवी से 2021 में जनवरी से जुड़ा हुआ हूँ, जब से प्रिया ने मॉर्निंग सेशन सुनना शुरू किया है। और नॉर्मली मैं एक लिसनर ही हूँ, मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि मेरे बहुत से क्वेश्चन ना आपके क्वेश्चन आंसर सुन के ही सॉल्व हो जाते हैं। तो जो मानव के बारे में मेरी ये समझ बनी हुई है कि सुख दुख तो स्वभाव में ही है और प्रकृति के संसाधनों के बारे में मैं जो समझता हूँ कि अगर इनका दुरुपयोग ना किया जाए तो प्रकृति अपने आप में व्यवस्थित है और हमें सिर्फ संसाधनों का सदुपयोग करना है। एक्चुअली मुझे, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत से पानी से नहाता हूँ और घर में मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, मैं ट्यूबवेल के नीचे ही नहाता हूँ और बहुत सा पानी वेस्ट होता है। इवन पहले मैं कहता हूँ कि होता था। ये चीज मुझे काफी बार प्रिया ने ध्यान में दिलाया कि इतना पानी वेस्ट मत किया करो, तो मेरे ध्यान में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे मैं ये यूएचवी के मॉर्निंग सेशन में जुड़ा और आप सभी की कन्वर्सेशन सुनता रहा, तो मुझे लगा कि मैं वाकई में ही उस चीज का दुरुपयोग कर रहा हूँ जो मेरे अकेले की नहीं है, ये सभी की है, प्रकृति की है। तो मैंने वो ट्यूबवेल से नहाना छोड़ दिया है। अभी मैं नॉर्मल 1-2 बाल्टी से ही नहाता हूँ। और अस्तित्व और शून्य के बारे में अभी मेरी कोई खास समझ बनी नहीं है। अगर मैं एक्सरसाइज 1 की बात करूं तो मैं एक्सरसाइज 1 के बारे में कहूं तो मॉर्निंग एक्सरसाइज से मुझे भाव देखने में हेल्प हुई है। अब मैं ये समझता हूं कि सह स्वीकृति क्या है और ये क्लियर होने से अपने पर काम करने का रास्ता आसान हुआ है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं काफी नुकसान करता था। अब पिछले 2 सालों से मेरा गुस्सा शांत है और बहुत ही शायद ही कभी आया हो, मुझे अभी ये भी याद नहीं आया या नहीं आया। मेरी एक आदत है कि मैं शुरू से ही लोगों की फाइनेंशियल और फिजिकल हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ तो पहले मुझे क्या होता था कि कोई टाइम पे कहे अनुसार वो रिटर्न नहीं करता तो मुझे बुरा फील होता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता, अब मेरे भाव बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं उसकी योग्यता पे जानने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम उसके साथ कैसा प्रोग्राम बनाए और उसको भी राइट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जितनी मुझ में राइट अंडरस्टैंडिंग है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा भाव ज्यादातर कॉन्स्टेंट ही रहे। लेकिन जब मेरे पिताजी परेशान होते हैं
बेसिकली मेरे पिताजी ना अकेले रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको यहाँ पे शहर में आना पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मली एक या दो बार महीने में जाता हूँ। तो लेकिन जब वो परेशान होते हैं और मुझे कॉल आती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। एक्चुअली ये मेरी मान्यता तो नहीं है कि उम्र के साथ समझ भी बढ़नी चाहिए, ये चीज़ मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मेरे में है, लेकिन फिर भी जब वो दुखी होते हैं तो मैं परेशान होता हूँ। और एक्सरसाइज टू के रिगार्डिंग मैं कहूँ तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी और सेल्फ अलग अलग है, और ये काफ़ी पहले से भी थी, कुछ हद तक मैं इसको देख भी पाया हूँ। मैंने अपनी डाइट को 60-70% चेंज किया है, जिससे कि मेरी 15 साल पुरानी डायबिटीज ना विदाउट मेडिसिन है अभी, और संवेदना से सुखी होने का संस्कार कम हुआ है। यहाँ पे ना मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। ऐसे तो मैं प्रोपराइटर हूँ बिजनेस में, ठीक है, लेकिन मेरे एक पार्टनर हैं जिनकी अपनी प्रोपराइटरशिप में फॉर्म है, और हम इकट्ठे ही एक ऑफिस में बैठते हैं और जो भी बिजनेस होता है मिलके करते हैं। उनके ना जो मेरे पार्टनर हैं वो काफ़ी रिएक्टिव हैं, कोई भी हल्की सी भी कोई बात कहेगा तो एकदम से रिएक्शन दे देंगे। लेकिन मुझे उनके साथ अटैच हुए कोई 2 साल हुए हैं, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड करता हुआ देखा है और उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। ये बात चलो मैंने तो नोटिस की थी, पर मेरे ध्यान में नहीं था कि ये मेरे मुझे देख के हुआ है। ये बात उनकी पत्नी ने शेयर की थी प्रिया के साथ कि आपके साथ रहने से गुरमीत जी जो मेरे पार्टनर हैं उनका गुस्सा कम होने लगा है और उन्होंने नॉनवेज भी छोड़ दिया है। और मेरे पिताजी 75 इयर्स प्लस हैं और उनको डायबिटिक है। तो पहले तो मैं मतलब 2-3 साल से काफ़ी कहता था कि अपनी डाइट चेंज करो, वो नॉर्मल खाना खाते थे और मेडिसिन खाते थे, लेकिन जब 1.5-2 साल से उन्होंने मेरी डाइट चेंज भी देखी है, तब से अभी मैंने रिसेंटली 1 महीना पहले अपनी डाइट चेंज की है। जब उनको कॉन्फिडेंट हो मुझे देख के उनको लगा है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हाँ, शरीर का क्या सदबुज हो गया है मैं उनको बताने में अभी तक असफल हूँ। और यहाँ तक कमिटमेंट का प्रश्न है, तो मैंने प्रिया को तो फ्री ही रखा है कि UHV में जिस तरह से भागीदारी करना चाहती है वो कर ले, ठीक है। दूसरा, मैं तो सामाजिक कामों में फिलहाल अभी बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि नियर फ्यूचर में मैं टाइम निकाल के भागीदारी कर सकूँ। बस भैया, मेरी शेयरिंग तो इतनी ही थी। हाँ जी जी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया। कुछ हैंड्स रेज है जिनमें कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। कुमार भैया जी। भैया बहुत ही बढ़िया भैया, तो मैं कहूँगा तीनों शेयरिंग काफी अच्छी रही, दीदी की जो शेयरिंग रही काफी अच्छी रही, आपने जीने में बहुत सारे परिवर्तन शेयर किए और इसका मतलब है कि आप ऑब्जर्व कर पा रही हैं, आप अपने व्यवहार को, अपने कार्य को, सुविधाओं के प्रयोग को ठीक से ऑब्जर्व कर पा रही हैं। अभ्यास 1 और 2 के बारे में भी आपने बिंदु रखे, उसको थोड़ा सा और जो चीज जोड़ने की जरूरत है कि उसको हम मैं की समझ, मैं और शरीर के अस्तित्व की समझ के साथ जोड़ कर देखें, संबंध में जो मौलिक भाव है वहां पे जाके देखें, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अभी एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे ध्यान ज्यादा है, उसके मूल में जो भाव है, जो उसका सार है, उस पर और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी बात है कि परिवार में पूरा सहयोग है आपको और आपके पास समय भी अब उपलब्ध है, तो स्वयं में गति करने के लिए और समाज में भागीदारी करने के लिए आपको पर्याप्त अवसर है। एक तरीके से देखें तो है ना, इससे ज्यादा अवसर अब क्या मिलेगा, इसका जितना अच्छा सदुपयोग आप कर पाए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको जो भैया का सहयोग मिल रहा है, भैया ने भी जैसा शेयर किया, अभी कम ही समय हुआ है, अभी सिर्फ सुबह के सत्र में जुड़े हैं और थोड़ा दिन भर की व्यस्तता है काम को लेकर, परंतु शाम को जो स्टूडेंट्स का वर्कशॉप होता है उसको अगर आप अटेंड कर पाए तो उसमें कंटेंट एक बार में पूरा सुनने को मिल जाएगा, बाकी घर में तो संवाद होता ही रहेगा, तो एक पूरी प्रस्तावना सुनने को मिल जाएगी। उसका जो सुबह के सत्र आप अटेंड कर रहे हैं या और भी जो सेशन या मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं उसकी और क्लैरिटी हो पाएगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आप सभी को शुभकामना, बधाई।